हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ लोग मुझे मैसेज के थ्रू इस बार का कट ऑफ बताने को बोल रहे थे, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करके और उनके मार्क्स का मैंने आइडिया लिया है कि लगभग सारे स्टूडेंट्स का क्या मार्क्स आ रहा है, और मैंने पिछले साल और इस साल के पेपर को कंपेयर करके एक एनालिसिस तैयार किया है कि पिछले साल के पेपर का क्या टफनेस लेवल था, इस बार का क्या टफनेस लेवल है, और पिछले बार का क्वेश्चन का ब्रेकअप क्या था, इस बार का क्वेश्चन का ब्रेकअप क्या है। तो ये मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करके ये मैंने कट ऑफ निकाला है, तो मैंने सोचा आपके बीच शेयर कर दूं। तो आइए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर का ब्रेकअप देखा तो 2017 और 18 का मैंने कंपेयर किया है। तो अब देख सकते हैं कि हिस्ट्री में 2018 में, मतलब इस साल 16 दिसंबर को 41 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में ये 38 क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन कम थे। मैं इसका डिटेल्स अभी आगे के पेज में आपको बताऊंगा कि एंशियंट हिस्ट्री के कितने थे, बिहार पर्सपेक्टिव की हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे। तो ये देखते हैं ज्योग्राफी में, ऐसे में ज्योग्राफी के लिए भी आपको बताऊंगा कि बिहार से कितना था और इंडिया परस्पेक्टिव से कितना था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस है, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंस है। पॉलिटी में देख सकते हैं खास करके 3 क्वेश्चन का डिफरेंस है, और पॉलिटी रिलेटिवली ईजी माना जाता है, आसान माना जाता है पेपर पॉलिटी का। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने का उम्मीद रहता है। और आप देख सकते हैं कि पॉलिटी 3 क्वेश्चन कम यहाँ पूछा गया है। वैसे इकोनॉमिक्स देखें तो इकोनॉमिक्स में इस साल 4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है पिछले के मुकाबले। सेंसस लगभग सेम है क्वेश्चन, पिछले बार 4 था, इस बार 5 है। करंट अफेयर्स की बात करें तो ये भी लगभग सेम है, 3 का डिफरेंस है। हालांकि करंट अफेयर्स भी कभी कभी कट ऑफ बढ़ा देती है, अगर कट ऑफ अगर करंट अफेयर्स पूछा जाए तो इस बार का भी मुझे करंट अफेयर्स लगता नहीं है कि ईजी था। अगर आगे देखें मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी को रखा है। आगे साइंस का देखें तो साइंस में लगभग 20-20 क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। हाँ, इसका ब्रेकअप अलग होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये मैं आगे के स्लाइड में देखूंगा। और मैथ्स में भी 10-10 क्वेश्चन दोनों में पूछे गए थे। मैथ्स का लेवल थोड़ा जरूर इस बार आसान था, लेकिन ज़्यादा उतना भी आसान नहीं था, लेकिन हाँ पिछले बार से थोड़ा आसान था। तो आइए आगे के स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री में इंडिया परस्पेक्टिव के लिए बताऊँगा, देखिए पिछले साल मॉडर्न हिस्ट्री में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ज़्यादा जरूर पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन ईजी था, ये आपको एनालाइज करके ही वहाँ पे आंसर आपको लिखना होगा। अगर आपको डिटेल्स में अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप आंसर नहीं बता सकते हैं, वन लाइनर नहीं था डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगा। और बाकी स्टूडेंट्स भी जो बोल रहे थे कि पिछले बार से थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा टफ था, तो इसके कारण से अगर इस वाले पॉइंट को देखें तो थोड़ा कट ऑफ कम जाना चाहिए हिस्ट्री के पेपर के बेसिस पे अगर बोले तो। फिर वैसे ही आगे का मिडिवल हिस्ट्री का देखें, मध्यकालीन इतिहास का, दोनों में लगभग 6-6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इनका लेवल पिछले वाले के लेवल से बिल्कुल बराबर था, उसमें कोई अंतर नहीं था। और अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो 2 क्वेश्चन कम पूछे गए थे इस बार पिछले बार से, लेकिन लेवल वही लगभग सेम था, लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। अगर ये इंडिया परस्पेक्टिव का मैंने बात किया अभी, ये इंडिया परस्पेक्टिव के लिए है। अगर आगे के स्लाइड में देखें तो ये मैंने बिहार परस्पेक्टिव के लिए एनालाइज किया है। तो ये देखें 2017 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लगभग ये सेम ही है, बराबर ही कह सकते हैं, लेकिन लेवल भी जो है वो दोनों का सेम ही था, लेवल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भले ही एक आध क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे ये दे दिया गया था कि बिहार कब अलग हुआ, बिहार कब एक अलग स्टेट बना, तो इसमें हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है कि 1912 में या 1936 में, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें परेशानी हुई। हालांकि BPSC ने भी इसका अभी आंसर दिया नहीं है, तो आंसर आने के बाद ही पता चलेगा इसका सही आंसर क्या है। तो वैसे क्वेश्चन वो पिछले साल भी थे 1-2, तो इसलिए इसका भी लेवल मुझे जहाँ तक बराबर ही लग रहा है पिछले साल के हिसाब से, तो इस वाले पोर्शन के हिसाब से कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और मिडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें, मध्यकालीन इतिहास के बिहार में, तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, पिछले साल भी नहीं पूछे गए थे, और वैसे ही एंशियंट हिस्ट्री के लिए भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो आगे अगर देखें ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में इंडिया परस्पेक्टिव के लिए अगर बात करें तो 2018 में 5 क्वेश्चन थे, और 2017 में आप देख सकते हैं 11 क्वेश्चन थे। और 2018 में जो 5 क्वेश्चन थे ये ईजी बिल्कुल भी नहीं थे 2017 के मुकाबले। अगर देखें तो जैसे 2018 में पूछा गया था कि जो रेंज दिए गए थे, माउंटेन रेंज दर्रा का जो दिया गया था, हाइट पूछा गया था उनका, उनकी ऊंचाई पूछी गई थी, तो ये देखिए ये काफ़ी टफ सवाल हो जाता है, मुश्किल सवाल हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को याद नहीं रहता कि किस दर्रा की ऊंचाई कितनी है, पासेज की ऊंचाई कितनी है। तो ये मेरे हिसाब से पिछले बार से लेवल टफ था। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो क्वेश्चन भी कम थे, लेकिन पिछले बार से लेवल टफ था, पिछले बार रिलेटिवली ज्योग्राफी में स्कोर करना थोड़ा आसान था। वैसे ही अगर इसमें तो आप देख सकते हैं कि अंतर ये 6 क्वेश्चन का अंतर था यहाँ पे। वैसे ही आगे वाले स्लाइड में अगर देखें, अगर वर्ल्ड परस्पेक्टिव से बात करें
तो पिछले बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 5 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन का यहाँ डिफरेंस है। और अगर लेवल की बात करें तो लेवल लगभग सेम है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक आध वो पिछले बार भी टफ क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, इस बार भी लगभग उसी टफनेस लेवल था, टफनेस लेवल में कोई अंतर नहीं था वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो। आगे वाले स्लाइड में देखते हैं, अगर बिहार परस्पेक्टिव से ज्योग्राफी की बात करें तो इस बार थोड़ा सा मतलब आपको एनालाइज करना था, जैसे दे रखा था कि पटना के अगल बगल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो पटना को चारों तरफ से ज्वाइन करते हैं, तो ये थोड़ा मतलब एनालिटिकल मैं कहूँगा, क्योंकि आपको अगर याद होगा मैप अच्छे से तभी आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही अगर इस तरह का क्वेश्चन माइंड में एनालाइज फ्रेम करके अगर आप आए होंगे एग्जाम देने तो ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट एग्जाम में बैठ कर सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल है कि आप एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंट कर पाएँ कि हाँ 9 है। तो इस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि पिछले बार से ये भी कोई ईजी था। तो लेवल में मुझे पिछले बार से और इस बार से इस परस्पेक्टिव में, ज्योग्राफी के बिहार वाले परस्पेक्टिव में, कोई ज़्यादा अंतर नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन का जरूर 4 का डिफरेंस था पिछली बार और इस बार जो पूछे गए हैं। तो ऐसे ही आगे का देखते हैं, पॉलिटी का देखते हैं। देखिए, जैसे आपको मैंने आपको पहले ही बोला था, पॉलिटी थोड़ा रिलेटिवली ईजी माना जाता है। अगर पॉलिटी अगर आ जाता है तो इसमें स्कोर अच्छा होता है, ऐसा कि आप लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे मेरे बात को। आप अगर अपना पॉलिटी में स्कोर देखें तो आपका गलत बहुत कम हुआ होगा। तो इसमें देखिए 3 का अंतर है, 3 क्वेश्चन का अंतर है। तो मेरे हिसाब से मतलब पॉलिटी में आप लोग थोड़ा इस बार कम स्कोर कर पाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कम पूछा गया था। तो आइए नेक्स्ट वाले पर्सपेक्टिव पर नज़र डालते हैं। इकोनॉमिक्स में देखें तो इंडिया पर्सपेक्टिव से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, और पिछले बार भी 9 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्वेश्चन के लेवल में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर इसमें थे कि इसमें ई वाले ऑप्शन वाले 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है आंसर कर पाना जब भी ई वाले ऑप्शन होते हैं, तो क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन है या मल्टीपल करेक्ट है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा पिछले बार से टफ लग रहा है। जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया था और फिर एम जी नरेगा के बारे में पूछा गया था, तो इसमें थोड़ा आपको चारों ऑप्शन जब सही होते हैं चारों गलत होते हैं तो थोड़ा इसमें डिसाइड करने में मुश्किल होता है ई ऑप्शन को देखते हुए। और जबकि ऐसा हो कि पिछले बार का पेपर में आपको सिर्फ 7 ही आंसर दिया गया था ई वाले आंसर, तो थोड़ा इस बार ज़्यादा वो टफ रहता है ई आंसर की ओर जाना। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स पिछले बार के हिसाब से थोड़ा टफ था। अगर अगले वाले स्लाइड में देखें तो बिहार पर्सपेक्टिव की बात करें इकोनॉमिक्स की, तो पिछले बार क्वेश्चन 9 के बराबर पूछे गए थे, मतलब एक भी नहीं या शायद एक आध पूछे गए होंगे। तो इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार से, यहाँ तक कि बिहार के वो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा गया कि कब सर्वे शुरू किया गया था। और तो वो तो चलिए कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं क्वेश्चन नहीं था, लेकिन और भी जैसे पूछे गए थे कि बिहार में FDI इन्वेस्टमेंट किस से सेक्टर में ज़्यादा है, तो ये सब थोड़ा प्रश्न थोड़ा मुश्किल थे। तो इस बार मुझे लगता है कि पिछले बार के हिसाब से ये भी थोड़ा टफ हुआ, और डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि सीधे 4 क्वेश्चन का है यहाँ पे पिछले साल के हिसाब से। तो ये भी ये सब पॉइंट अभी तक कट ऑफ कम के फेवर में है, कि मतलब कट ऑफ कम पिछले बार से रहना चाहिए। बाकी हम सीट की बात तो बाद में करेंगे कि सीट में कितना डिफरेंस है, वैकेंसी में कितनी डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी तक आपने जैसा देखा अभी तक सारे में जो एनालिसिस के हिसाब से यही लग रहा है कि पिछले बार से कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं रह सकता है। अगर बराबर भी अगर सीट रहता पिछले बार जितना तो भी ज़्यादा तो नहीं रहता कट ऑफ। आगे देखते हैं सेंसस की अगर बात करें तो सेंसस से पिछले बार 4 थे, इस बार 5 थे। तो सेंसस से थोड़ा ज़रूर इजी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि फीमेल लिटरेसी रेट क्या है और बिहार का एजुकेशन में लास्ट से क्या रैंक है। तो ये थोड़ा ज़रूर इजी था पिछले बार से, क्वेश्चन का डिफरेंस 1 है यहाँ पे। तो ये इसमें इस वाले पर्सपेक्टिव इस वाले अगर नज़र से आप देखें तो आपको ज़रूर लगेगा कि थोड़ा कट ऑफ जाना ज़्यादा जाना चाहिए इस वाले सेक्शन में। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि पीछे के 3-4 सेक्शन में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं कि कट ऑफ कोई ज़्यादा रहने का कोई सवाल नहीं बनता है। तो आगे देखते हैं करेंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करेंट अफेयर्स अगर आपने वैसा अगर बहुत डिटेल्स में स्टडी किया है तो आपको थोड़ा इजी लग सकता है, लेकिन जैसे अगर बाकी लोग अगर एवरेज का बात करें तो करेंट अफेयर्स आप इजी नहीं कह सकते हैं कि पिछले बार से इजी था। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल्स में मैंने जैसा कहा बहुत डिटेल्स में आप पढ़ के आए हैं तो आपको थोड़ा इजी लगेगा कि आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे होंगे। और फिर यही डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टडी मटेरियल चुना और उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए गए। जैसे कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि बिहार के लिए एक स्टडी मटेरियल था जिससे सारे के सारे क्वेश्चन थे और वो 10-12 पेज का ही था,
तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई लोग वैसा पढ़ के गए होंगे तो उनके सारे 12 या 15 क्वेश्चन जो भी बिहार के पूछे गए बिहार से रिलेटेड तो वो सारे आपको बन गए होंगे। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो सारे लोग को जरूर नहीं है कि वही पढ़ के गए होंगे, तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि इसमें भी कट ऑफ कुछ इस हिसाब से कम रहना चाहिए कि करेंट अफेयर्स ईजी था। यहाँ पर हालांकि 3 क्वेश्चन का डिफरेंस था पिछले के बार के हिसाब से, और जैसे एक आध क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल भी थे, जैसे उर्जित पटेल का पूछा गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो गए उसमें, ये लगा दिए कि अभी उर्जित पटेल ही गवर्नर हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बीपीएससी शायद वो देगी आंसर, बीपीएससी ई के लिए ही शायद जा सकती है उस क्वेश्चन में, आगे का देखते हैं। साइंस की अगर बात करें तो साइंस, हाँ साइंस में जरूर कहूँगा रिलेटिवली पिछले बार से ईजी था क्वेश्चन, थोड़ा ईजी था। जैसे पिछले बार आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में पिछले बार 15 क्वेश्चन थे, इस बार 5 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 क्वेश्चन का यहाँ डिफरेंस है। और पिछले बार जो क्वेश्चन थे वो इस बार से थोड़ा ज़्यादा टफ थे साइंस में और केमिस्ट्री के सेक्शन में, खास करके बोले इस बार केमिस्ट्री में वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक आध क्वेश्चन जरूर है जो कन्फ्यूजन क्रिएट किए हैं, जैसे एक सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है, pH 7 किसका है, तो उसमें ई आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं कि होगा वो pH = 7 जो प्योर वाटर का होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, तो ये एक आध क्वेश्चन जरूर फंसाने वाले थे। बाकी मतलब वैसा कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये थोड़ा पेपर को कट ऑफ बढ़ाने में ये थोड़ा मदद किया है ये सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन के हिसाब से देखें तो थोड़ा कट ऑफ पिछले बार से ज़्यादा की ओर ये फेवर कर रहा है। बाकी अगर फिजिक्स का देखें तो पिछले बार फिजिक्स का 1 क्वेश्चन था और इस बार 8 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डिफरेंस 7 का आ गया है। और ये फिजिक्स में क्वेश्चन भी ईजी था, कोई ऐसा टफ नहीं था क्वेश्चन। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में एक आध जरूर क्वेश्चन टफ थे, लेकिन वैसा नहीं था, बाकी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये सब क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था। तो ओवरऑल अगर देखें साइंस में तो ओवरऑल ये तो इजी था पिछले बार के हिसाब से, तो ये शायद कट ऑफ बढ़ाने में मदद कर सकता है। आगे का देखें, अगर मिसलेनियस का बात करें, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मिसलेनियस सेक्शन में मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी को रखा है, तो इसमें लगभग लेवल सेम था पिछले बार के हिसाब से देखें, तो एक ही क्वेश्चन का डिफरेंस भी था, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले सेक्शन में। आगे अगर देखें मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जरूर पिछले बार से थोड़ा इजी था, आप बहुत इजी तो नहीं कह सकते, जैसे समेशन वगैरह के क्वेश्चन थे तो 10th क्लास तक ये सारे नहीं बताए जाते हैं समेशन, तो बहुत सारे लोगों ने ये उसको देख के मतलब छोड़ दिया या फिर मतलब अपने हिसाब से गेस किया उसको, बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को नहीं बनाया है। जैसा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे उस उन सारे स्टूडेंट्स ने जरूर बनाया होगा उसको, लेकिन जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उन लोगों ने वो क्वेश्चन को नहीं किया है, या बहुत सारे स्टूडेंट ने गेस करके लगाया है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि मैथ्स में थोड़े इजी क्वेश्चन थे पिछले बार के हिसाब से, लेकिन फिर भी ज़्यादा इजी नहीं थे। लेकिन खैर ये वाला सेक्शन कट ऑफ बढ़ाने के फेवर में मैं इसको बोलूँगा, इस वाले सेक्शन को कट ऑफ को बढ़ाने का वो करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर फिर पिछले बार के हम उससे मिलाएं कट ऑफ से मिलाएं तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा, जैसा देखिए पिछले बार का ये कट ऑफ है, तो आप देख सकते हैं कि 2017 में वैकेंसी जो थे वो 355 था वैकेंसी, और स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में वो 90,697 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। और 2018 की अगर बात करें तो वैकेंसी जो है वो 1,465 है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग वैकेंसी जो है वो 4 गुना है, लगभग लगभग अगर आप देखें तो 4 गुना है वैकेंसी, ये वैकेंसी जो है ये 4 गुना है। अगर रिजल्ट की बात करें तो पिछले बार 4,257 रिजल्ट दिया गया था 355 वैकेंसी के लिए, ये 4,257, तो अगर इसी रेशियो में अगर हम बात करें तो इस बार कम से कम 17,628, ये मैंने रेशियो पिछले बार को रेशियो को देखते हुए ध्यान में रख के ये कैलकुलेट किया है, तो 17,628, तो लगभग ये भी आपको यहाँ से हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 4,000 ये बढ़ेगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अपीयर होने का, तो इस बार मैंने बहुत सारे जगह से पता किया, तो अभी मैंने एक RTI भी डाला है, तो उसका अभी जवाब नहीं आया है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, तो अभी लगभग, लेकिन ऐसा पता चल रहा है मुझे कि जैसा पेपर वगैरह का देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2,85,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, लगभग आप मान के चले कि 55-60% स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। बाकी न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कहीं कहीं कि इतना स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने लिखा है। तो अगर बात करें उसी बेसिस पे कट ऑफ की,
तो 2017 का मैं कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 2017 में जो पुरुष का मतलब मेल का जो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ था वो 96 था। ये 96 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए अनरिजर्व्ड के लिए जैसा कि आपको पता होगा 35% रिजर्वेशन है, तो उनका 86 था। और बाकी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं 84 अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 89 था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 88 था, और पिछड़ा वर्ग के लिए 93। तो इस साल की अगर बात करें इसी बेसिस पे, तो मैंने सर्वे में मतलब दो चीज़ जो मेन मैंने ध्यान रखा है, वो पहला ये कि मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स ने कितना मार्क्स स्कोर किया है। वो इस बार मुझे ये पता चला कि जो पिछले बार जो स्टूडेंट्स करीब 90-95 के आसपास जो स्कोर कर रहे थे, उनका इस बार 98 या 100 के करीब आ रहा है, या फिर कुछ का 96 ऐसा का, मतलब कुछ 1-2 नंबर का या 3 नंबर का उनका कुछ मतलब फासला है, 4-5 नंबर वो पिछले बार के हिसाब से ज़्यादा ला रहे हैं। अगर क्वेश्चन लेवल की बात करें तो पिछले बार से बहुत हल्का आप कह सकते हैं कि हल इजी था, लेकिन बहुत हल्का, उतना ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है, बहुत हल्का कह सकते हैं। तो उसके कारण अगर कट ऑफ बढ़ा, अगर सेम, अगर सीट को अगर सेम रखा जाए पिछले बार के जितना, तो पिछले बार अगर 96 कट ऑफ था, तो इन दोनों पहलू को अगर ध्यान में हम रखें, इन दोनों पहलू को, तो उस हिसाब से 3 नंबर बढ़ना चाहिए, 99 होना चाहिए। लेकिन चूंकि सीट जो है वो इस बार 4 गुना बढ़ा है, सीट जो है वो 4 गुना बढ़ा है, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो मैंने ये डिसाइड किया है कि अनरिजर्व्ड के लिए वो 92 से 97 रहना चाहिए, फीमेल के लिए 84 से 88, एससी के लिए 84 से 86, फीमेल एससी के लिए कैंडिडेट्स के लिए 72 75। इस बार मैंने, आप ध्यान दीजिएगा, अगर तो 84 से 86 जो मैंने एससी का रखा है, पिछले बार भी इसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। और ऐसा इसलिए कि बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एससी एसटी को ये स्कॉलरशिप देने का बात इसमें कहा गया था, इसलिए एससी एसटी स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा था इस बार, उन लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, तो उनका कट ऑफ शायद, उनके कट ऑफ में पिछले साल से शायद बहुत कम अंतर आ सकता है। लेकिन अनरिजर्व्ड में कोई ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं देखा गया है, तो उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ रखा है। एसटी की अगर आप बात करें तो एसटी के 88 से 90 तक जाने का चांस है। अगर फीमेल की बात करें, एसटी फीमेल, तो ये 77 to 80 ये जा सकता है। अगर ईबीसी की बात करें तो ये 85 to 88, और अगर ये मेल का मैंने बताया है 85 to 88, अगर फीमेल की बात करें तो ये 74 to 77, और अगर या बीसी की बात करें बैकवर्ड क्लास, तो ये 89 to 93, और ये मेल के लिए और फीमेल के लिए 76 to 78 है। तो ये मैंने जो कट ऑफ जो आपको बताया, ये मैंने कुछ लोगों से, मैंने पूछ के करीब 50-60 लोगों से मैंने सब पूछा, और बाकी मैंने कुछ अपने पेपर को देख के एनालाइज करके मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको पीछे कंपेयर करके भी दिखाया कि पिछले बार के पेपर और इस साल के पेपर में क्या टफनेस लेवल था, कितना चेंज था क्वेश्चन के ब्रेकअप में, तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे भी इस तरह का कुछ एनालिसिस या कुछ और लेके आऊँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।